वर्क फ्रॉम होम अप्रोच इज बेसिकली करियर अप्रोच यूज बाय मार्केटर्स एंड प्रोडक्ट ओनर्स टू टारगेट द लेजी पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेस. समझे हो ये कहां से निकला, इसका इसका है क्या असल में. ये अप्रोच ये है, मैं आपको ये कहता हूं अभी कि जनाब मेरा फलां कोर्स ले लो या मेरी फलां ट्रेनिंग ले लो या मेरा फलां सॉफ्टवेयर ले लो और आप फाइवर पे जाके $1000 पर मंथ तक कमाना शुरू कर दोगे घर से बैठे बैठे. ठीक है, आप ओ अच्छा लो जी शुरू करो. ठीक है ठीक है, घर बैठे बैठे आप कर लोगे, घर बैठे बैठे ये हो जाएगा, घर बैठ बैठ के, घर बैठ बैठ. ओ भाई ये घर बैठ बैठ के कुछ भी नहीं होता. ठीक है, ये आपको उस माहौल में या उस माइंडसेट में लेके जाया जाता है जहां पे आपको निकलने का मौका ही नहीं दिया जाता. मैं अब जब खोलूंगा तो मैंने कहा ना ये रोड में प्रोग्राम के अंदर मैंने बड़े सच बोलना है, बहुत चीजों को क्लियर करना है. ये अगर मैं आपको अपडेट करूं, वॉरियर फॉरम, वॉरियर फॉरम फॉरम, ठीक है, जेवी जू, ठीक है, वॉरियर प्लस, ठीक है, इसके बाद क्लिक बैंक और इस तरह के और काफी नेटवर्क्स हैं. यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट का एलिमेंट है वो लोगों को पैसे जनरेट करने या मेक मनी जो है ना, मेक मनी जो है ना स्टफ के बारे में, क्या आप ये प्रोडक्ट ले लें आप इतने कमा लेंगे, मैंने इतना कमा लिया सारा कुछ. मतलब एक बंदे ने फाइवर से $100 कमा लिए, एक ऑर्डर $100 का ले लिया, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है ना वो क्या कर रहा है कि वो बता रहा है कि भाई मैंने $100 इस तरह कमा लिया. अब हो सकता है दोबारा $100 उससे दोबारा कभी बने ही ना, लेकिन वो उसकी प्रोडक्ट बना के लोगों को शेयर कर रहा है या बता रहा है कि भाई ये मैंने बना लिया, और वो $100 से उसने कम उससे बनाया लेकिन $1000 उसने आइडिया से बना लिया. राइट, कि वो पैसे को पैसा बेच रहे हैं और वो वहां पे टेस्ट ही ऐसे करते हैं, काम ही ऐसे करते हैं कि आज मैंने जो है ना ये काम कर लिया, इस महीने मैंने ये महीने वाले तो पहुंचते ही बहुत कम वाली महीने वाली प्रोडक्ट अगर होगी कि मैंने एक महीने में इतना रेवेन्यू जनरेट किया उसमें फिर कुछ दम हो सकता है. ठीक है कि कंसिस्टेंट कुछ रेवेन्यू आ रहा होगा सारा कुछ होगा, लेकिन ज्यादातर चीजें या प्रोडक्ट्स ऐसी बिक्री होती हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स आपको टारगेट किया जा रहा होता है या आपको बताया जा रहा होता है या सॉफ्टवेयर ऐसे बताए जा रहे होते हैं कि आपने जो है ना मैंने ये काम यूं कर लिया और आप भी यूं कर सकते हैं. ठीक है, ये जो मैंने रोड मैप बनाने जा रहा हूं या ये अप्रोच करने जा रहा हूं या मैं जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है कि यार मुझे पता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से अगर 100 नहीं तो 99% लोग जो है ना वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन उसमें पैसा अच्छा खासा है. ठीक, अब मुझे पता है कि आप नहीं कर सकते हो तो मुझे आपको वो प्रोडक्ट नहीं बेचनी चाहिए. आप बाय तो कर लोगे लेकिन आप उससे फायदा नहीं उठा सकते. जब आप फायदा नहीं उठा सकते तो आप एक तो मुझे भी कर सकोगे कि भाई ये क्या चीज दे दी और फायदा नहीं हो रहा, और दूसरा जो है ना आप उस चीज से वैल्यू भी नहीं ले सकोगे. राइट, तो अब आपको बात समझ आनी चाहिए. और मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूं कि मैं अब ऑफिस में जब शिफ्ट हुआ हूं तो मैंने अपने बिजनेस को काफी लेवल पर ग्रो किया, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वर्क फ्रॉम होम की बात करेंगे तो आप समझ लें कि आप किस एंगल से बात कर रहे हैं. बेसिकली यू आर, और अगर मैं यहां पे एक और बात कर लूं, वर्क फ्रॉम होम इफ यू रियली थिंक इन ऑनेस्ट वे देन यू विल रियलाइज दैट एक्चुअली यू आर रनिंग अवे फ्रॉम डूइंग एनी वर्क. अगर एक मिनट के लिए आप सोचें कि आप जो है जब कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, अगर आप ऑनेस्टली सोचें तो आप बेसिकली काम करने से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं. राइट, और एक मिनट के लिए अगर अपने आप को शिफ्ट करें रादर देन वर्क फ्रॉम होम आप करें ठीक है, वर्क फॉर माय बिजनेस.
अगर आप इसको शिफ्ट करें, इस माइंडसेट को इस तरह शिफ्ट करें, वर्क फ्रॉम होम से की बजाय, ठीक है, इसको शिफ्ट कर दें वर्क फॉर माय बिजनेस, ठीक है। अब डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, जब आप वर्क फॉर माय बिजनेस करेंगे, असल में कॉन्सेप्ट आपका यही था, लेकिन आपकी वे गलत था कि वर्क फ्रॉम होम के होम से, मतलब क्यों बाहर क्यों नहीं निकल सकते, घर में ही बैठ के नहीं हो सकता ना यार, नहीं ग्रो कर सकते। जब आप कहोगे वर्क फॉर माय बिजनेस, कि मैं अपने बिजनेस के लिए काम करना है, फिर आप लोगों से मीटिंग करोगे, फिर लोगों से मिलना भी चाहोगे, बिजनेस भी करना चाहोगे, डिस्कस भी करना चाहोगे, ठीक है, आप जाके जो है ना जो है जो इवेंट्स हो रहे हैं उधर भी जाओगे, क्योंकि आप बिजनेस के लिए ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आप अपने घर पे जो है ना पीटीसीएल लगवा रहे हो, डीएसएल लगवा रहे हो, तो बिजनेस के लिए काम कर रहे हो ना, उसके लिए जाके लोगों से मिलोगे, ठीक है। आप अगर ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहे हो घर से, राइट, तो उसके लिए आप जो है ना ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स या टीसीएस या दूसरे वेंचर से जाके उनसे मिलोगे, बात करोगे, तो आप अपना जो है ना कैश ऑन डिलीवरी और सिस्टम बनाओगे, या वेंडर से जाके मिलोगे, राइट। तो अगर आप अपनी अप्रोच को 1 मिनट के लिए वर्क फ्रॉम होम से चेंज करके वर्क फ्रॉम माय बिजनेस करें, तो क्या आपको वाज़े डिफरेंस नजर आता है? और किस में ज्यादा दम है? और अब अगर मैं आपको कहूं कि 1 मिनट आईज क्लोज करें, बल्कि मैं आपको चले ये रियल प्रैक्टिस एग्जांपल करवाता हूं, ठीक है, जो वेबिनार रिप्ले में देखें वो भी ये करिएगा, 1 मिनट आईज क्लोज करें, रियलाइज करें कि आप आईज क्लोज रखें, बात सुनते रहे मेरी, राइट, रियलाइज करें कि वर्क फ्रॉम होम से अब आप निकल के आ गए वर्क फॉर माई बिजनेस, कि मैं अपने बिजनेस के लिए काम करना चाहता हूं और अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं, उसको ग्रो करना चाहता हूं, ठीक है। आईज अपनी क्लोज आपने रखी हुई है, अब जरा सोचें कि अब आपका बिजनेस है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपने मिस कर दी हैं इस चक्कर में कि यार मैं तो ये सोचता था कि ये काम तो सिर्फ मैंने घर से करना है, अगर मैं बाहर निकल जाता, उस मीटिंग में चला जाता, उस इवेंट में चला जाता, उस बंदे से मिल लेता, या फला जगह पे जाके फला चीज को कर लेता, तो मेरे घर वाले ही बिजनेस को या मेरे ही बिजनेस को फायदा हो सकता था, राइट। आईज बंद रखे, आगे सोचे। अब अगर आप अपने बिजनेस के लिए, राइट, ये सोचें कि यार हाँ मैं घर से तो बिजनेस करना चाह रहा हूं, लेकिन घर से बिजनेस रन करना चाह रहा हूं, और अब ये सोचें कि यार क्या अपॉर्चुनिटी जो मेरे सराउंडिंग में बैठी है, जिसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ेगा, तब वो चीजें मेरे लिए मेरे बिजनेस को हेल्प आउट कर सकती हैं, जो बिजनेस मैं घर से रन कर सकता हूं। जस्ट 1 मिनट के लिए सोचें कि वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सराउंडिंग में हैं, ठीक है, जो आपको अपना बिजनेस घर से रन करने के लिए आपको हेल्प आउट कर सकती है, जिनके लिए लेकिन निकलना पड़ेगा आपको घर से, और अगर आप वो निकल जाए, ठीक है, तो आपका बिजनेस एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में आ सकता है, या अगर चल रहा है तो ग्रो पकड़ सकता है, ग्रोथ कर सकता है। सोचें जरा क्या क्या हो सकता है, 1 मिनट के लिए जरा सोचें। अगर आपको कंटेंट पसंद आया और आप समझते हैं कि ये और लोगों के लिए फायदामंद हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के, आपके पीयर्स के लिए, तो जरूर इस कंटेंट को शेयर करें।